गुड मॉर्निंग फ्रेंड, DC247 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोगों को जो है करंट अफेयर में मंत्रिमंडल बताने वाला हूँ भारत में, ठीक है। जो जो कुछ थोड़ा बहुत पोस्ट भी चेंज हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से जो है एग्ज़ामों में एक नया क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता, चाहे आपका रेलवे हो, चाहे SSC हो, चाहे व्यापा हो, डिस्कस करने वाला हूँ। और कल जस्ट मैं आप लोग वीडियो प्रस्तुत करने वाला हूँ के सामने मध्य प्रदेश का केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं, डिस्कस करते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में। इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? वाराणसी। ये कहाँ चुनाव लड़ते हैं? बनारस से एक तरफा, वाराणसी से एक तरफा जो है जीते हैं 2019 में, ठीक है। नेक्स्ट ऑथरन के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ है? इनका जन्म जो कहाँ हुआ होगा दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को वडनगर गुजरात में हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। और भारत के 15वें नंबर के जो हैं प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन है? सभी जानते हैं, पहले जो थी निर्मला सीतारमण थी, अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है? राजनाथ सिंह है। राजनाथ सिंह जो है, इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ, ठीक है, यहीं से चुनाव लड़ते ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत के गृह मंत्री कौन है? जो है आपके गृह मंत्री जो है अमित शाह है। कौन है गृह मंत्री प्रेजेंट टाइम में? अमित शाह जी हैं। ये कहाँ से चुनाव लड़ते हैं? इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? गांधीनगर गुजरात से। एक क्वेश्चन और फैक्ट इनके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, ये जो है भाजपा के चाणक्य कहलाते हैं, ठीक है। अमित शाह जो है भाजपा पार्टी क्या कहलाते हैं? चाणक्य कहलाते हैं। नेक्स्ट विदेश मंत्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं भी विदेश मंत्री का जो रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे अभी चीन वार्ता को लेकर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, तुरंत वार्ता की उन्होंने विदेश मंत्री ने, ठीक है। तो विदेश मंत्री प्रेजेंट टाइम है एस जयशंकर। कौन है? एस जयशंकर हैं। ये राज्यसभा सांसद हैं। कहाँ से हैं? गुजरात से हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे महिला बाल विकास मंत्री तथा कपड़ा मंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट महिला है, उसका नाम क्या है? स्मृति ईरानी। इनका लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? अमेठी यूपी से। इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, स्मृति ईरानी के बारे में, ठीक है। अमेठी से पहली बार ऐसा हुआ कि जो है स्मृति ईरानी यहाँ से जीती हैं और राहुल गांधी को हराई हैं, याद रखिएगा। और राहुल गांधी कहाँ से जीते हैं? वायनाड कहाँ पड़ता है आपका? केरल में पड़ता है, ठीक है। तो आ सकता है क्वेश्चन एग्जामों में जो है महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी हैं, वो उनका कहाँ से लोकसभा क्षेत्र जीती हैं, कहाँ से जीती, चुनाव जीती हैं, तो कहाँ से? अमेठी कहाँ पड़ता है आपका? यूपी पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं, भारत के रेल मंत्री दो पोस्ट में हैं। कौन कौन से और पोस्ट में हैं? रेल मंत्री तो हैं, उद्योग मंत्री भी हैं, वाणिज्य मंत्री भी हैं, ठीक है। और उनका नाम क्या है? पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल। और ये राज्यसभा सांसद कहाँ से हैं? महाराष्ट्र से हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र से हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? पहली बार जो है ये मंत्रालय बना है, तो याद रखिएगा, जल शक्ति मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम? गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है? गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका जो है दोस्तों लोकसभा क्षेत्र क्या है? जोधपुर राजस्थान, याद रखिएगा, जोधपुर राजस्थान, ठीक है। तो बन सकता है क्वेश्चन, जो भारत के नए जल शक्ति मंत्री बने हैं उनका जो है लोकसभा क्षेत्र क्या है? जोधपुर राजस्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट है। तो भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी साहब जो है, इनका लोकसभा क्षेत्र क्या है? नागपुर है, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक आदमी है ये। चलिए नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, भारत के HRD मंत्री कौन है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है ना, कौन मंत्री हैं? और आपके ये जो है शिक्षा मंत्री भी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक, ठीक है। ये चुनाव कहाँ से जीते हैं? इनका या लोकसभा क्षेत्र कहाँ है? हरिद्वार। तो दोस्तों इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, ये जो है उत्तराखंड से दो बार CM भी रह चुके हैं, याद रखिएगा। बन सकता है क्वेश्चन, जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम जो है रमेश पोखरियाल निशंक है, वो कहाँ के CM रह चुके हैं? तो कहाँ के? उत्तराखंड से CM, उत्तराखंड के CM रह चुके। नेक्स्ट, भारत के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इनका लोकसभा क्षेत्र कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इनका लोकसभा जो क्षेत्र है चांदनी चौक कहाँ पड़ता है आपका? दिल्ली में, ठीक है। और दोस्तों इनके बारे में थोड़ा और बताऊंगा, 22 मई 2020 को जो है WHO ने इनको चेयरमैन भी नियुक्त किया है एक साल के लिए, तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब WHO का नाम आया दोस्तों, तो WHO का जो है फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 7 अप्रैल
1948 को भई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, जिनेवा में है। याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, जिनेवा में है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जो है इसका कहाँ है, जिनेवा में। अब प्रेजेंट टाइम में इसके सदस्य देश हैं 194, कितने सदस्य देश हैं 194। याद रखिए एग्जाम में आ सकता, हो सकता पीएससी में आ जाए कि प्रेजेंट टाइम में जो है WHO में कितने सदस्य देश हैं, तो 194 सदस्य देश हैं। और प्रेजेंट टाइम में जो इसके महासचिव का नाम है टेड्रोस अधानोम, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, प्रेजेंट टाइम वित्त मंत्री कौन है, तो वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण जो है प्रेजेंट टाइम में क्या है, निर्मला सीतारमण क्या है प्रेजेंट टाइम में आपकी वित्त मंत्री हैं, ठीक है। और दोस्तों बताना चाहूँगा कि राज्यसभा कहाँ, राज्यसभा कहाँ के सांसद हैं, कर्नाटक से हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।